नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कर्नाटका स्टेट की 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, अगर वो साउथ इंडिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी फर्स्ट चॉइस कर्नाटका स्टेट होता है, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, अकॉर्डिंग टू फीस और फैसिलिटी के हिसाब से स्टूडेंट्स की पहली चॉइस बन चुका है कर्नाटका। अब अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों। अपन जनरल कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा की इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की जो लास्ट ईयर रही थी, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, उससे कम तो जाने वाली है नहीं है। अपन स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 515 से 525 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपके 470 से 490 के बीच में अगर आप कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहे हो तो आपको आसानी से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं एससी कैटेगरी की बात करते हैं, 435 नंबर से लेकर 455 नंबर के अगर समथिंग आपके नंबर आ रहे हैं इस क्राइटेरिया में अगर आप आ रहे हो तो आपको कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेज हैं। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में 370 से 375 के समथिंग आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी और आजकल यही चल रही है, क्योंकि कर्नाटका में कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा शिक्षा का लेवल उच्च है, कंपटीशन कम है, ऐसे एक्सपायर्ड काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कट ऑफ कम जाती है। इसके अलावा आपको अधिक जानकारी चाहिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। जो हम सेल बनेंगे हम आपके लिए करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।